दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पीएस मोटो हब में। तो गाइज, आज है आपके सामने द ऑल न्यू मारुति स्विफ्ट 2022 इन द लेटेस्ट VXI वेरिएंट जो आप देख रहे हैं। VXI मतलब मोस्ट वैल्यू फॉर मनी होता है भाई, अगर मारुति की कार्स की बात करें तो भाई इसी पर्टिकुलर मारुति स्विफ्ट की हम लोग भाई पूरी यहाँ पे बातें करने वाले हैं, विद लेटेस्ट ऑन रोड प्राइसेस, ऑल फीचर्स, इंटीरियर एक्सटीरियर स्पेक्स। तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। छोटी सी, कॉम्पैक्ट सी और सुंदर सी भाई स्पोर्टी कार आपके ठीक सामने जो आप देख रहे हैं। बहुत ही बढ़िया फीचर्स और बहुत ही बढ़िया प्राइस रेंज में आ जाती है अगर स्विफ्ट के इस पर्टिकुलर वेरिएंट की बात करें। तो प्राइसेस से शुरुआत करते हैं तो करीब करीब भाई 6,82,000 रुपये की इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस है। ऑन रोड अगर आपको बता दें तो करीब 8 लाख रुपये भाई पड़ जाती है, नो डाउट। और अगर फीचर्स की बात करें तो भाई VXI वेरिएंट में बहुत ही बढ़िया फीचर्स आपको LXI से तो अच्छे देखने को मिल जाते हैं, अगर प्राइस वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो। तो सबसे पहले भाई की से शुरुआत कर लेते हैं। तो काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पे वन टच लॉक एंड अनलॉक वाली की अच्छे से आपको देखने को मिल जाती है। प्लस जो फ्रंट की लुक है काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट और स्पोर्टी सी यहाँ पर फील हो जाती है अगर स्विफ्ट के इस वेरियंट की बात करें तो। फ्रंट में सुजुकी का लोगो है, काफ़ी अच्छी से ग्रिल आ जाती है हनी कॉम्ब स्टाइल की, और बीच में जो क्रोम एलिमेंट है ये आपका कंपनी फिटेड है, नो डाउट। और यहाँ पे अगर आप जो ब्लैक की एक्सेसरीज देख रहे हैं, ये एक्सेसरीज का फिटमेंट हो रखा है गाड़ी में। हालांकि पूरी की पूरी कॉस्टिंग एक्सेसरीज के साथ भी हम आपको अभी ज़रूर इस वीडियो में बताएंगे, तो उसके लिए वीडियो को एंड तक बने रहिए। और बिना किसी देरी के भाई फीचर्स की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको हेडलाइट दिखा देते हैं, तो प्रॉपर हेलोजन हेडलाइट्स आपको मिल जाते हैं VXI वेरिएंट से। यहाँ पे आपका टर्न इंडिकेटर है और ऊपर आपकी छोटी सी यहाँ पे पार्क लाइट दे रखी है, नो डाउट। फॉग लाइट्स के लिए हाउसिंग आपकी नहीं आती है, बट आफ्टर मार्केट आप इसको फिट करा सकते हैं ये वाली यूनिट चेंज करा के, नो डाउट। और यहाँ पे सारी बातें हो गई हैं सुजुकी के स्विफ्ट के बारे में। और बोनेट का डिज़ाइन यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको बोनेट अगर खोल के दिखाते हैं तो यहाँ पे आपकी इंजन बे है और इतना ये पैनल अभी फाइबर का हो रखा है। तो बम्पर का पार्ट इस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ से लगा के आपका पूरा नीचे तक आ जाता है। अब चलते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। तो सबसे पहले भाई व्हील्स की तरफ अगर नज़र डालें तो करीब करीब R14 प्रोफाइल का आपको इस वेरिएंट में मिलता है और 15 इंच का जो है आपको टॉप एंड वेरिएंट में देखने को मिल जाता है। और बगल में इसकी डिज़ायर खड़ी है, टॉप एंड मॉडल में आपको R15 प्रोफाइल के व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे भाई चलते हैं ORVMs की तरफ। तो ORVM यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स के साथ आ जाते हैं, पावर एडजस्टेबल आता है बट ऑटो फोल्डिंग ORVM आपका नहीं आता है। तो लेकिन एक अच्छी बात है भाई, फेंडर पूरा का पूरा यहाँ पे क्लीन आउट ही है। और चलते हैं अब इसके डोर हैंडल्स की तरफ। तो बॉडी कलर डोर हैंडल्स आ जाते हैं और गाड़ी का बी पिलर आप देख सकते हो ब्लैक कलर है। जो क्रोम के छोटे छोटे एलिमेंट्स दिख रहे हैं ये सब एक्सेसरी है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। और ये डोर वाइजर भी एज ए एक्सेसरी ही आता है, कंपनी की तरफ से नहीं आता है। अब चलते हैं धीरे से इसकी बैक प्रोफाइल की तरफ। तो ब्लैक कलर की हाउसिंग आपको टेल लाइट पे मिल जाती है, प्रॉपर LED टेल लैंप्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, नो डाउट। और रियर में आपको डिफॉगर तो नहीं आता है, ZXI से शुरू होता है, स्टॉप माउंट लैंप है आपका, यहाँ पे एंटीना भी आपको दिया जाता है। अब चलते हैं सेफ्टी फीचर्स की मेनली बात कर लेते हैं। तो स्विफ्ट में 4 पॉइंट के पार्किंग सेंसर आपको पीछे, डुअल एयरबैग्स, ABS विद BD, ब्रेक असिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और इस साल जो है एक नया इंट्रोडक्शन हुआ था, वो इसका आइडल स्टार्ट स्टॉप फंक्शन। की को यहाँ पे इंसर्ट कर लेते सबसे पहले। तो सबसे पहले भाई ये आप देख सकते हो इंडिकेटर काफ़ी अच्छे से ब्लिंक यहाँ पे कर रहा है। और बूट को ओपन करके देखते हैं तो भाई बूट स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है। साइड में आपको यहाँ पे हुक भी देखने को मिलेगा और स्पेयर व्हील भी आपका नॉर्मल R14 प्रोफाइल का अच्छे से देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल स्विफ्ट काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पे ब्लैक का फिनिश है पूरा का पूरा और यहाँ पे आपका सेंसर भी लगा हुआ है जो आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल इंटीरियर काफ़ी सही लगता है यहाँ से स्विफ्ट का। और पार्सल ट्रिप भी आ जाती है इस वेरिएंट में। तो हमने सारी बातें कर ली है गाड़ी की, इस साइड से भी आपको बढ़िया सी प्रोफाइल दिखा देते हैं। तो लाइटनिंग कंडीशन थोड़ी सी लो है, उसके लिए हम सॉरी हैं। तो अब चलते हैं अंदर की तरफ। जैसे फ्रंट डोर को खोलेंगे आप तो कुछ ऐसा फिनिश आता है, प्रॉपर आपका ब्लैक कलर का फिनिश, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री के साथ साथ वन टच डाउन फंक्शन आता है, वन टच अप फंक्शन हालांकि नहीं आता है यहाँ पे स्विफ्ट के इस वेरिएंट में। और पावर एडजस्टेबल ORVM का ये बटन आपको दे रखा है।
इंडिकेटर्स को करते हैं थोड़ा सा बंद। ये भाई साहब बंद हो जा, हो गया बंद। चलो यहाँ पे एक बॉटल होल्डर की स्पेस विद अलॉन्ग विद सम स्पेस एक्सटर्नल, और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट नहीं आती है, नॉर्मल आपकी रिक्लाइनिंग वाली सीट्स हैं। चलते हैं इंटीरियर्स की तरफ। तो भाई प्रॉपर ब्लैक कलर का इंटीरियर मारुति इस पर्टिकुलर कार में काफ़ी अच्छा सा देखने को मिल जाता है। और मैं आपको एक चीज़ बता रहा था, तो हाइट एडजस्टेबल सीट आ जाती है आपकी, यहाँ पे आप देख सकते हो। और ओवरऑल जो फिनिश है काफ़ी अच्छा लग रहा है स्विफ्ट के रिगार्डिंग। रेड कलर की MID है रेड इंसर्ट्स के साथ, एक तरफ टैकोमीटर, एक तरफ आपका ऑडियोमीटर स्पीडोमीटर सॉरी। और यहाँ पे बीच पे आपको अच्छा खासा फिनिश, और यहाँ पे स्टीयरिंग पे अच्छे खासे कंट्रोल्स हैं वॉल्यूम अप एंड डाउन के, कॉल कनेक्टिविटी के साथ साथ। और ये है आपका बढ़िया सा म्यूजिक सिस्टम जो आप देख रहे हैं भाई, स्लीक स्पीक के लिए बहुत ही सुंदर लग रही है नो डाउट। और यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से मैनुअली एडजस्टेबल AC दे रखे हैं। कप होल्डर्स नॉर्मल वाले हैं, यहाँ पे नहीं आपको कोल्ड वाले देखने को मिलते जैसे अर्टिगा में आते हैं। और 12 वोल्ट्स का आउटपुट चार्जर USB ऑक्स के साथ साथ। ग्लोव बॉक्स का साइज़ काफ़ी अच्छा है जो आप देख सकते हैं, और जो डैशबोर्ड की क्वालिटी है काफ़ी अच्छी लगती है। जो डुअल इंसर्ट्स हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस लगते हैं, रील्स और स्टोरी के लिए सबसे ज़्यादा भाई स्विफ्ट का ही यूज़ किया जाता है अपने इंडिया में, हम आपको पहले बता दें। और पार्किंग सेंसर जो है इसका टुकटुकारा है जो आप देख सकते हो। और यहाँ पे काफ़ी बढ़िया सा क्रोम का फिनिश, यहाँ पे एक स्पेस दे रखी है, रियर एसिवेंट्स नहीं आते हैं स्विफ्ट में। और जो इंटीरियर है भाई पूरा का पूरा ब्लैक है, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा नोटिसेबल फीचर है इस गाड़ी के लिए अलग से। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया सा सिस्टम आपको लाइट्स का, एक तरफ टिकट होल्डर, एक तरफ आपका वैनिटी मिरर। सारी बातें हो गई होपफुली स्विफ्ट के बारे में, कोई भी चीज़ हमसे नहीं छूटी है, केवल एक चीज़ एडजस्टेबल स्टीयरिंग जो आपको एक बार फिर बता देते हैं। और MID फीचर्स में भाई यहाँ पे आपको रेंज, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी सारी चीज़ें बता देता है नो डाउट। तो होपफुली सारी बातें हो गई हैं, ये चीज़ आपको दिखानी थी। तो यहाँ पे आपका हज़ार्ड लाइट दे रखी है बीच में। AC वेंट्स के डिज़ाइन काफ़ी यूनिक हैं इस गाड़ी के रिगार्डिंग। और चलते हैं रियर सीट्स की तरफ। तो रियर डोर को जैसे ही आप खोलते हैं तो बहुत ही यूनिक स्टाइल है यहाँ से खोलने का, और यहाँ पे कुछ ऐसा एंट्रेंस आता है, डोर इतना ही खुलता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस में कंप्रोमाइज़ तो नहीं करना पड़ेगा हमारे हिसाब से अगर शॉर्ट हाइट के हैं तो। और यहाँ पे एक बॉटल होल्डर मिल जाता है, काफ़ी यूनिकली डिज़ाइंड है। और एक आपका पावर विंडो इस साइड है और दूसरा वाला इस साइड है, तो कुल मिला के 4 पावर विंडोज आ जाते हैं। मैनुअली एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपका इसमें नहीं आता है, बट बैठने का जब बाद जो फील है काफ़ी सही आ जाता है नो डाउट। अगर स्पेस की बात करें तो हेडरूम काफ़ी अच्छा है, और बहुत ही कुशनिंग सपोर्ट काफ़ी अच्छा है इसकी सीट्स का नो डाउट। तो चलते हैं बाहर, सारी बातें हो गई स्विफ्ट के रिगार्डिंग। तो गाइस ये था द ऑल मारुति स्विफ्ट के ऊपर एक बढ़िया सा वीडियो, होपफुली हमने आपको सारी डिटेल्स बता दी होंगी, प्राइसेस से लेके सारी बातें। माइलेज की बात कर लेते हैं, तो भाई करीब करीब आपका इस गाड़ी में 20 के अराउंड आपको माइलेज कंपनी क्लेम करती है, तो सही अच्छा खासा फिगर है। और इन फ्यूचर भाई CNG वेरिएंट भी आने वाला है इस गाड़ी का, तो अच्छे से इंतज़ार करिए भाई, बढ़िया से आपको मिलने वाली है स्विफ्ट इन द CNG। तो वीडियो को यहीं पेंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।